तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 12 पर सॉल्व कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 12.1 के एग्जांपल्स, उसमें 7 एग्जांपल में से 4 एग्जांपल्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज एग्जांपल नंबर 5, 6 और 7 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो। फाइंड एम सो दैट, कि ये दोनों इक्वल हैं तो एम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो, हमें पता है कि अगर 2 की पावर 3 होगा तो आगे भी 2 की पावर 3 होना चाहिए, तभी दोनों इक्वल होंगे। अगर 2 की पावर 4 हो जाएगा तो ये तो 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अगर बेस सेम है तो उनकी पावर भी क्या होगी, सेम होगी, अगर इक्वल में है तो, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, सॉल्व करते हैं इसको हम। तो ये है -3 की पावर m+1 इंटू में -3 की पावर 5 इज इक्वल टू 3 की पावर 7। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। तो -3 की पावर कितनी हो जाएगी, m+1+5 और इधर क्या है, 3 की पावर 7। तो ये क्या हो जाएगा, -3 की पावर कितनी हो जाएगी, m+6, ये हो जाएगी 3 की पावर 7। सिंस बेस आर सेम, तो अगर बेस सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, जो पावर होगी वो भी सेम होगी। तो m+6 किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 - 6, तो m की वैल्यू आ जाएगी कितनी यहाँ पे, 1। और हमें m की वैल्यू ही पूछी थी, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 5 हो चुका अपना। एग्जांपल नंबर 6 देखो आप। एग्जांपल नंबर 6 तो बहुत ईजी है। 2 की पावर 2/3 की पावर -2 है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 की पावर 2, पॉजिटिव 2 होगी ना, रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया बस, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसमें हम, ठीक है। तो ये पावर अगर हमें नेगेटिव से पॉजिटिव बनानी तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस में ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये डिविज़न में ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 8, और ये डिवीज़न में 16। तो 1 डिवीज़न का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 1/16। तो देखो क्या हो गया, 1/16 हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब 7th में सेकंड पार्ट है वो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5/8 की पावर -7 है इंटू में 8/5 की पावर क्या है, -5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 8/5 की पावर +7 इंटू में ये, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो आप, 5/8 की पावर 5। अब पावर अलग अलग कर दो आप, तो ये हो गया 8/7/5 ये हो गया 5/7 इंटू में ये हो गया 5/5 और ये हो गया 8/5। तो देखो कैसे करोगे उसको, 8/7 और 8/5, तो ये 8/5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/7 - 5। अब ये 7 ज़्यादा 5 से, तो ये 5/5 वो नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 5/7 - 5, तो ये हो जाएगा 8/2/5/2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 64/25, और ये अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए मिनट। तो आई होप कि आपको, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे हम। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 12.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तब तक आप खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए।